तुम जाके बैटरी लेके आओ फटाफट। तो हम ये बोल रहे थे कि तुम लोग आज आए क्यों हो, माने जॉइंट लाइफ से ज्यादा इजी तो भजिए पाव तलना होता है। वड़ा पाव खाए कभी? वड़ा पाव पहले उसमें एक वो होता है आलू का टिक्की होता है, मक्खन लगाओ दोनों तरफ, उसको घुसाओ, पाव को सेको और दे दो। इससे भी इजी है चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर मेरे को याद नहीं है, जॉइंट लाइफ माने यही है। इस चैप्टर में दो आदमी रहेगा, एक और दो, लिखो हेडिंग लगाना जॉइंट लाइफ। जॉइंट लाइफ, अरे इजी है, सच्ची में नहीं जाना था? तुम बैठो एकदम पीछे में, कौन है लास्ट में, आपका नाम क्या है? हाँ ठीक है, एजुकेट को मिटा मत देना ठीक है, थोड़ा देर बाद। हाँ पीछे से थोड़ा माथा डालो। हाँ जॉइंट लाइफ, तो दो टाइप का स्टेटस होता है, अब दो लाइफ के बारे में बात करेंगे। सर हम और मेरी, ठीक है तो दो लाइफ होगा। सबसे पहले लिखना जॉइंट लाइफ स्टेटस। जिसका जिसका सिंगल लाइफ क्लियर है ना, उसका जॉइंट लाइफ कुछ लगेगा नहीं, ऐसा लग रहा है रिपीट चल रहा है। सबसे पहले लिखना, इसका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जो लिखवाएंगे एकदम अच्छा से लिखना। जॉइंट लाइफ स्टेटस लिखो, एक्टिव कब होता है और फेल कब होता है, एक्टिव कब होता है एंड फेल कब होता है। तो एक्टिव में ब्रैकेट में लिखना बोथ लाइव्स आर अलाइव, बोथ लाइव्स आर अलाइव, बोथ लाइव्स आर अलाइव। फेल में लिखना जॉइंट लाइफ स्टेटस। जॉइंट लाइफ का मतलब क्या होता है, जब तक दोनों लाइफ जिंदा है तब तक जॉइंट लाइफ स्टेटस एक्टिव माना जाता है। अगर कोई एक भी मर गया तो वो फेल हो जाएगा। लिखो एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज डाइड, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज डाइड। फिर लिखना लास्ट सर्वाइवर स्टेटस, लास्ट सर्वाइवर स्टेटस। अच्छा जॉइंट लाइफ स्टेटस जहां लिखा है ना, इसका एक नोटेशन है, नोटेशन है एक्स वाई, नोटेशन है एक्स वाई या फिर एक्स कोलोन वाई, नोटेशन है एक्स वाई या फिर एक्स कोलोन वाई। लास्ट सर्वाइवर स्टेटस लिखना, एक्टिव कब होता है और फेल कब होता है। एक्टिव होता है अगर कोई, सुनो लिखो मत, अगर कोई एक भी जिंदा है तो लास्ट सर्वाइवर स्टेटस एक्टिव है। सर अगर दोनों जिंदा है तो? हाँ जी समझा, लास्ट सर्वाइवर, भावनाओं में मत बजाना सर, लास्ट सर्वाइवर। दोनों जिंदा है तो भी लास्ट सर्वाइवर स्टेटस एक्टिव, कोई एक भी जिंदा है तो भी लास्ट सर्वाइवर स्टेटस एक्टिव, लेकिन दोनों मर गया फेल हो जाएगा ठीक है ना। लिखो एक्टिव कब होगा, वन ऑफ देम इज अलाइव, वन ऑफ देम इज अलाइव। फेल कब होता है, बोथ हैव डाइड, बोथ हैव डाइड। इसका नोटेशन लिख लेना एक्स वाई के ऊपर में बार या फिर एक्स कोलोन वाई के ऊपर में बार। सर बार मतलब तो कंटिन्यूअस होता था, कुछ समझ में नहीं आया। यहां पर बार का मतलब क्या है, लास्ट सर्वाइवर। यहां पर बार का मतलब क्या है, लास्ट सर्वाइवर ठीक है। मिटाऊं क्या, एकदम बेसिक से चलेंगे। के एक्स क्या होता है, टी एक्स क्या होता है, जैसे याद है टी एक्स क्या होता था बोलो तो, व्हाट इज टी एक्स, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ अ रैंडम, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल। अब लिखना इसके बाद में लिखना टी एक्स वाई। अच्छा एक्स वाई का मतलब क्या होता है, जॉइंट लाइफ स्टेटस। और अगर मैं बोलूं एक्स वाई बार मतलब क्या, लास्ट सर्वाइवर। दोनों का मतलब क्लियर हुआ ठीक है। अच्छा टी एक्स वाई लिखना कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल ऑफ अ जॉइंट लाइफ स्टेटस, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल ऑफ अ जॉइंट लाइफ स्टेटस। अच्छा जॉइंट लाइफ स्टेटस तो मतलब यही होना चाहिए हिसाब से देखा जाए तो, देखना तो बोर्ड पे,
मैं बोल रहा हूं टी एक्स लेस देन टी वाई होगा तो क्या होगा? आप लोग डरिए मत, टी एक्स मतलब क्या? एक्स का एज फ्यूचर लाइफ टाइम, और टी वाई मतलब क्या? वाई का फ्यूचर लाइफ टाइम। तो मैं बोल रहा हूं टी एक्स लेस देन टी वाई में क्या होगा एंड टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टी वाई में क्या होगा? मैं सुनो, टी एक्स लेस देन टी वाई, मान लेते हैं हम है y और मेरी x, एक मिनट, हम है y और मेरी x, तो y जी रहा है 15 और x जी रही है 10 और, ठीक है? तो जॉइंट लाइफ जैसे टी एक्स वाई है ना, तो टी एक्स वाई क्या वैल्यू लेगा? 10 साल, बिकॉज जॉइंट लाइफ स्टेटस फेल कब हो जाएगा? जब मेरी x, समझा, जब x मर जाएगा तब, तो x मर कब रहा है? 10 साल बाद। तो इसीलिए जॉइंट लाइफ स्टेटस में क्या होगा मिनिमम, जैसे मान लो दो जन है, एक जन का जैसे दिस इज जीरो, दिस इज टी एक्स एंड दिस इज टी वाई, माने एक्स का जो फ्यूचर लाइफ टाइम है वो इतना है एंड वाई का जो फ्यूचर लाइफ टाइम है वो इतना है, तो जॉइंट लाइफ स्टेटस फेल कब होगा? यहां पर, समझा? तो टी एक्स वाई विल बी व्हाट? टी एक्स इफ टी एक्स इज लेस देन टी वाई एंड टी वाई If TX is greater than equal to TY, equal to वाला केस मत पूछना, उसमें देखेंगे, समझ गया? उसको कॉल करो एक बार, कहां पर है? है इधर ही, कॉल करो। इसके लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं घुमा फिरा के, मिनिमम ऑफ TX कॉमा TY। अरे समझा, TXY क्या हो गया? जॉइंट लाइफ का फ्यूचर लाइफ टाइम। तो जॉइंट लाइफ का फ्यूचर लाइफ टाइम मतलब क्या होता है बोलो ना? जॉइंट, अरे एक्स वाई का मतलब क्या है पहले ये बताओ, जॉइंट लाइफ, जॉइंट लाइफ स्टेटस। तो जॉइंट लाइफ का फ्यूचर लाइफ टाइम कितना होगा? 10 साल, ठीक है? तो अच्छा एक बात बताना, मिनिमम ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई का मतलब क्या होता है? अरे जो पहले मरेगा उस समय तो फेल हो जाएगा ना, ठीक है? इसलिए मिनिमम ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई। नेक्स्ट, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया सब लोग? अभी कराए कहां है लास्ट सर्वाइवर? अभी कौन सा करा रहे हैं? जॉइंट लाइफ, रुक, अभी टी एक्स वाई बार। तुम लोग पूरा नोट्स खुद से लिखोगे, लिखो कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल ऑफ जॉइंट लाइफ स्टेटस, ऑफ जॉइंट लाइफ स्टेटस, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफ लास्ट सर्वाइवर स्टेटस, ऑफ लास्ट सर्वाइवर स्टेटस। अच्छा लास्ट सर्वाइवर का तो मतलब ये हो गया ना, जैसे मान लो ये जीरो है, 10, 15, मैं बोल रहा हूं लास्ट सर्वाइवर स्टेटस फेल कब होगा? जब दोनों मर जाएंगे। पहला आदमी कब मरा? 10 पे। दूसरा आदमी कब मरा? 15 पे। तो लास्ट सर्वाइवर स्टेटस फेल कब होगा? 15 पे। तो मतलब बड़ा वाला लेंगे ना छोटा वाला? बड़ा वाला। तो बताना टी एक्स लेस देन टी वाई तो क्या हो जाएगा? टी वाई। एंड व्हेन टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी वाई तो क्या हो जाएगा? टी एक्स। तो सर यहां पर मेरे मन में कुछ आ रहा है, मैक्स ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई। एक मिनट, अभी हम ब्रेक लेंगे, एक मिनट का उनसे बात करना है मेरे को, तो उसमें चेंज कर देंगे। आप लोगों को बस 5 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? हमसे बात करेंगे। ये मैक्स हुआ। अब सुनो, तुम क्या बंद कर दी? क्या चाहिए आपको, बोलिए ना आप। हाँ फैन तो है ही नहीं आपके बगल में, ये वाला ऊपर से सामने वाला, बस छोड़ दो। 3 मैक्स, मैक्स रिलैक्स। अब सुनो, अभी इधर में, हाँ करो 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 ना, करो करो करो, हाँ हो गया। तो सर टी एक्स वाई को और टी एक्स वाई बार को अगर हम मिला देते तो कुछ बनेगा क्या? पक्का बनेगा। हम बोल रहे टी एक्स, सुनो दो थे लाइफ, एक था एक्स और एक था वाई। अब सुनो, हम बोल रहे हैं अगर x पहले मर रहा है तो y कब मरेगा? बाद में। अरे सुनो भैया, रुको भैया, रुको रुको रुको,
एक्स अगर पहले मरा तो वाई कब मरेगा? बाद में। और अगर वाई पहले मरा तो एक्स कब मरेगा? बाद में। तो कोई एक पहले मरेगा और उसका दूसरा वाला बाद में मरेगा। तो अगर जैसे मान लो मैं बोलता हूं एक्स पहले मर गया, ठीक है, तो अगर एक्स पहले मर गया तो जॉइंट लाइफ स्टेटस क्या होगा? टीएक्स। अरे अगर एक्स पहले मर गया, पहले मरने वाले को क्या बोलेंगे? जॉइंट लाइफ खत्म। तो अगर एक्स पहले मर गया तो जॉइंट लाइफ वाला क्या होगा? टीएक्स। अगर जॉइंट लाइफ टीएक्स है तो फिर लास्ट सर्वाइवर क्या हो जाएगा? टीवाई। तो ऑब्वियस बात है ये क्या हो जाएगा सर? जी समझ गया ना? अरे रुको, कॉपी मत करो ऐसे, अभी पास हो जाओगे। हम ये बोल रहे थे दोनों में से जैसे मान लो ये वाला जॉइंट लाइफ स्टेटस है, अगर जॉइंट लाइफ स्टेटस टीएक्स है तो लास्ट सर्वाइवर क्या हो जाएगा? टीवाई। समझ में? अच्छा रुको, अब एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पनप रहा है। तो सर ये जो लास्ट सर्वाइवर है ना, मन कर रहा है इसको ऐसे लिख दे, टीएक्स प्लस टीवाई माइनस टीएक्सवाई। ये तो बुक्स है एंड बाकी लोग के लिए है, हम लोग के लिए पता है क्या है? सिंगल प्लस सिंगल माइनस जॉइंट। बोलो, सिंगल प्लस सिंगल माइनस जॉइंट, इसी में जॉइंट लाइफ बसा है। अगर कोई भी लास्ट सर्वाइवर का फंक्शन निकालना होगा, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो, एनविटी हो, एश्योरेंस हो, सब करेंगे, सब में एक फॉर्मूला रट लेना है। अगर लास्ट सर्वाइवर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? सिंगल प्लस सिंगल माइनस जॉइंट। ठीक है, कॉपी कर लो इसको यहां तक।
लिखना, लिखो लिखना, फंक्शन ऑफ लास्ट सर्वाइवर, लिखना फंक्शन ऑफ लास्ट सर्वाइवर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सिंगल लाइफ प्लस फंक्शन ऑफ सिंगल लाइफ माइनस फंक्शन ऑफ जॉइंट लाइफ. बस टाइम कितना हुआ है? ठीक है, तो सही है. ठीक है, क्लास कर रहा है. अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एफ टी एक्स वाई टी, कौन बताएगा ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एफ टी एक्स वाई टी? सी डी एफ ऑफ जॉइंट लाइफ. CDF ऑफ जॉइंट लाइफ लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम TX कॉमा TY लेस देन T, मिनिमम TX कॉमा TY लेस देन T. यही होता है क्या? CDF प्रोबेबिलिटी अप टू दैट पॉइंट. अच्छा, क्या चीज? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम TX कॉमा TY लेस देन इक्वल टू T. अब सुनना ध्यान से. क्या? हाँ, मिनिमम में ना हम लोग एग्जांपल लिए बिना समझ नहीं सकते हैं. अभी दो आएगा, एक मिनिमम आएगा और एक मैक्सिमम आएगा. ये आप लोग को आगे भी स्टैट्स वगैरह में काम आएगा कॉन्सेप्ट. अब सुनो, T अगर 10 है, ठीक है, मिनिमम जैसे मान लो इसको ले ली, इसको 10 मत लो, इसको लिया 10, इसको लिया 12 और इसको लिया 8. मिनिमम वाले में हम लोग हमेशा पहले 1 माइनस करेंगे. अभी जैसे देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम TX कॉमा TY ग्रेटर देन T, अब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे. अब जैसे मान लो इसका वैल्यू लिया 10, इसका वैल्यू लिया 12 और इसका वैल्यू लिया 8, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का जो मिनिमम है, इन दोनों का मिनिमम कितना है? 10. इन दोनों का जो मिनिमम है वो इससे बड़ा है, समझा? अगर इन दोनों का मिनिमम इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअली भी इससे बड़े हैं. अगर इन दोनों का मिनिमम T से बड़ा है तो मतलब TX भी T से बड़ा है और TY भी T से बड़ा है. इसको लिखने का एक तरीका है. जी समझा? मैं बोलो अगर मिनिमम ऑफ TX कॉमा TY T से बड़ा है तो TX भी T से बड़ा है और TY भी T से बड़ा है. ये लिखने के लिए कंडीशन यूज करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस का. रुको, मैं बता रहा हूं, सब चीज बता रहा हूं. इंडिपेंडेंस का कंडीशन यूज करना पड़ेगा. ये इंडिपेंडेंस का कंडीशन क्या है? जैसे तुम लोग वो देखा बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में क्या वैसा कोई पिक्चर था ना, उसमें बोलता है बापूजी को शुगर था, मैं पास हो गया तो बापूजी को मिठाई खिला दिया, बापूजी चल गए, सदमे में माँ भी चल गई. तो वैसा टाइप का केस हम लोग इसमें नहीं करेंगे. माने हम लोग ये मानेंगे दोनों लाइफ इंडिपेंडेंट है, समझ गया? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इसमें, जो कि नहीं होता है रियल लाइफ में, बट इसमें एजम्पशन माना है कि TX और TY, ऐसा नहीं कि TX मर गया तुम्हारे X मतलब समझ लो तो तुमको बहुत ज्यादा सदमा टाइप में लगे, वैसे वो सब नहीं. ठीक है, कबीर सिंह टाइप्स नहीं. तो दोनों लाइफ इंडिपेंडेंट, तो ये लिख सकते हैं क्या यहां तक बताना? देखो इससे क्लैरिटी नहीं आ रहा था, तो एक चीज हम तुम लोगों को रटा रहे हैं, कभी भी मिनिमम आए ना हमेशा ग्रेटर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और कभी भी मैक्स आएगा तो क्या करेंगे? लेस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. कभी भी लाइफ में मिनिमम का सामना हो, कुछ ऐसा सामना हो, तो मिनिमम अगर आएगा, आगे जाके स्टैट्स पेपर में आएगा, तो मिनिमम अगर आएगा मतलब ग्रेटर फॉर्म में एक्सप्रेस करने से समझ में आएगा. अब देखो समझना है, इसका वैल्यू ले लिया 10, इसका अगर 10 और 12 का मिनिमम मतलब 10 अगर वो T से बड़ा है मतलब दोनों इंडिविजुअली बड़े हैं, और उसी चीज का तो प्रोबेबिलिटी है ना ये, तो मतलब क्या? दोनों बड़े हैं, राइट? अब रुकना, 1 माइनस यहां तक पहले कॉपी करो फिर मैं आगे करा रहा हूं. अरे प्लीज एग्जांपल लिख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. क्यों?
नहीं नहीं वैसे मत सोच, हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी देख, दो है, एक्स है और वाई है, दोनों का, दोनों टी से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, दोनों का जो मिनिमम अगर वो टी से बड़ा है तो दोनों इंडिविजुअल भी तो बड़े होने चाहिए ना, उसी चीज का प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी वाइज सोचो क्या चीज, जब लेस देन फॉर्म में था ना, पहले यहां पर लेस देन फॉर्म में था, इसको ग्रेटर देन फॉर्म में करने के लिए वन माइनस किए। ये तो आता है ना तुम लोग को, एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। कौन बताएगा ये क्या होता है, टी एक्स ग्रेटर देन टी, मतलब मिनिमम टी एक्स जी है और मिनिमम टी एक्स जीने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम टी एक्स जी है क्या हो जाएगा, टीपी वाई। तो इसको क्या लिख सकते पता है, वन माइनस टीपी एक्स टीपी वाई, वन माइनस टीपी एक्स टीपी वाई, विच इज नथिंग बट वन माइनस टीपी एक्स वाई। हाँ बोलो, जॉइंट लाइफ मतलब केसेस दोनों संग में करे, जैसे बाप बेटा पॉलिसी लिया है, दो बहन पॉलिसी लिए वैसा। लेकिन अगर हम लोग रियल लाइफ में सोचेंगे तो देयर इज डिपेंडेंस, बट उतना हाई लेवल हम लोग करने जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं अगर ये दोनों डिपेंडेंट है तो हम लोग ये स्टेप लिख ही नहीं सकते थे। ये वाला स्टेप तभी लिख सकते जब दोनों लाइफ इंडिपेंडेंस है। तो बहुत सारा प्रूविंग वगैरह के लिए कहीं पर पहुंचने के लिए थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस किए, इसलिए जैसे हम बोलते हैं ना, अज्यूम कर लो कि मिडिल ऑफ द ईयर पे मर रहे हैं, तो कैसे अज्यूम कर ले, ठीक है वो चीज। ठीक है सब लोग एक साथ, ऐसी एवरी कलर मतलब हर कलर दिख रहा है, कितना रंग बिरंगा है, मेरे को देख कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सब लोग अलग अलग कलर का पहन के आए, मतलब दो में ज्यादा मजा है ब्रो। वन माइनस टीपी एक्स वाई, ठीक है अच्छा यहां तक कॉपी हो गया, जहां नहीं समझ में आएगा वहीं रोक देना। अच्छा टीपी एक्स वाई का मतलब क्या है, आज हम पढ़ाएंगे नहीं, तुम लोग मेरे को बताओ टीपी एक्स वाई का मतलब क्या है, टीपी एक्स वाई का मतलब क्या है, दोनों लाइफ टी तक जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आज भी एनिवर्सरी मन रहा है, आज भी एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, जॉइंट लाइफ आज भी जिंदा है, ठीक है। तो अच्छा अभी लिखना एफ टी एक्स वाई बार टी, एफ टी एक्स वाई बार टी, टी एक्स वाई बार का मतलब क्या होता है, अच्छा मैंने क्या बोला था सर, मिनिमम होगा तो ग्रेटर फॉर्म में, अगर मैक्स होगा तो लेस फॉर्म में, आप कैसे सोचेंगे बताना। तो अब उल्टा ले लो, 10, 12, 15, ये जो मैं ले रहा हूं ना वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10, 12, 15 सोच के देखो, तो सोचा जा रहा है तुम लोग से, 10 और 12 का जो मैक्सिमम है वो कितना है, अगर वो 15 से कम है मतलब दोनों कम है, नहीं समझ गया, अगर 10 और 12 का जो मैक्सिमम अगर वो 15 से कम है मतलब बाकी सब भी तो कम होंगे ना, तो इंडिपेंडेंस वाला कंडीशन उसे क्या बोल सकते हैं, टी एक्स लेस देन इक्वल टू टी, टी वाई लेस देन इक्वल टू टी, विच इज वॉट टी क्यू एक्स टी क्यू वाई। इसको हम लोग बोल सकते हैं टी क्यू एक्स वाई बार। अच्छा पहले वाला जो था ना जॉइंट लाइफ वाला, उसको बोलेंगे टी क्यू एक्स वाई, लिख देना, उसको बोलते हैं टी क्यू एक्स वाई। अरे CDF से तो यही आता था ना, TQX ही तो आता था, CDF से क्या आता है TQX, पहले वाले में लिख देना TQXY और अभी वाले में लिख देना TQXY बार। सर TQXY बार तो ठीक है, लेकिन ये TQX इंटू TQY आ रहा है, मेरे को ये समझ भी नहीं आ रहा, कोई समझा सकता है क्या कि TQX इंटू TQY क्यों आ रहा है। यस CR मतलब किस्त विस्त कहां आ गया अभी, नहीं वो तो हम बताए थे ठीक है, लेकिन किस्त में जी सकते हैं मर सकते हैं तुम, अच्छा वहां तक रिवाइज कर लिया मतलब तुम
लेकिन ये टी क्यू एक्स वाई बार इज इक्वल टू ये क्यू, मेरे को ये जानना है। ना 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 ना, टी क्यू एक्स वाई बार का मतलब क्या, मेरे को ये बताओ। लास्ट सर्वाइवर स्टेटस विल फेल बिफोर टी। अगर लास्ट सर्वाइवर स्टेटस को टी के पहले फेल कराना है तो क्या करना होगा, दोनों को मरना होगा। तो टी क्यू एक्स इंटू टी क्यू वाई, ठीक है। तो लिख देना लास्ट सर्वाइवर स्टेटस फेल्स विद इन टू फेल्स विद इन टी इयर्स। लास्ट सर्वाइवर स्टेटस फेल्स विद इन टी इयर्स, टी इयर्स, इयर्स। किसको उसको टफ लग रहा है, हाथ उठाओ। तुम लोग तो गंदगी फैलाने में माहिर हो, बोलोगे वहां मत जाना। इतना ऐसे मत बोला कि हम लोग का एडमिशन खुला नहीं है, हम लोग एडमिशन ले लेंगे। मतलब ठीक है, अब हम लोग एक नोट बनाते हैं। चलो नोट लिखो, टी पी एक्स वाई बार, टी पी एक्स वाई बार। बच्चा पता है क्या करता है, बच्चा जिंदगी में हमेशा कंपेयर करता है। बच्चा कैसे कंपेयर करता है बताएं, बच्चा बोलता है सर देखिए आप क्लास में कराए टी पी एक्स वाई इज इक्वल टू टी पी एक्स टी पी वाई, बार से क्या फर्क पड़ता है सर, यहां पर भी लगा देंगे टी पी एक्स टी पी वाई, बार को हटाओ। जो बच्चों को सब कुछ आता है वो गलती नहीं करेगा, जो बच्चों को कुछ नहीं आता वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, जो आता था सीख के गया वही सब करेगा। बार से क्या फर्क होगा, कैसा टी पी एक्स वाई बार, अभी देखो पकड़ते हैं, टी पी एक्स वाई बार इज इक्वल टू टी पी एक्स टी पी वाई होगा क्या, कौन बोल रहा होगा, क्यों नहीं होगा मयंक बताओ, क्यों नहीं होगा टी पी एक्स वाई बार, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हां बोलो, क्योंकि श्रेयांशी बोलो, हां क्योंकि कवि क्या कहते हैं इसमें बोलो, हां हां दोनों जन जिंदा है, हां तो हम बोले थे ना गंदगी मत बोलना तुम। लास्ट सर्वाइवर का मतलब ये नहीं, तुम लोग जो जो ये सोच रहे हैं ना कि आज घर में गया ना जॉइंट लाइफ फ्रेंड को बोले आज मेरा सर जॉइंट लाइफ पढ़ाया, बताए क्या पढ़ाया, वो ऐसे बोलता है देखो ये जीरो है, हम तुम सब जीरो है, ये जीरो है, पहला आदमी मरता है 10 साल पे तो ये हुआ जॉइंट लाइफ, फिर स्टार्ट होता है लास्ट सर्वाइवर, क्योंकि देखो नाम में क्या है लास्ट सर्वाइवर, गलत। अरे लास्ट सर्वाइवर यहीं से शुरू हो जाएगा, यहीं से जॉइंट लाइफ भी शुरू हो रहा है, लेकिन जॉइंट लाइफ यहीं खत्म, लास्ट सर्वाइवर कहां खत्म, यहां पर, जब सेकंड लाइफ मरेगा तब, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। टी पी एक्स वाई बार बोलो क्यों नहीं है सर, दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबल केस, ये वन ऑफ द पॉसिबल केसेस है, बट दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबल केस। क्यों भी आएगा नहीं, हाँ मतलब आएगा, बोलेंगे मतलब क्या है सर, कोई एक लाइफ भी जिंदा है ना तो भी लास्ट सर्वाइवर स्टेटस एक्टिव रहेगा। और सर आप तो हमको सिखा दिए कि लास्ट सर्वाइवर इज इक्वल टू व्हाट, सिंगल प्लस सिंगल माइनस जॉइंट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, टीपी एक्स प्लस टीपी वाई माइनस टीपी एक्स वाई, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल होगा, और बताएंगे आगे जाके धीरे धीरे, ये नॉट इक्वल होगा। दूसरा बच्चा जो गलती करता है, अब बच्चा ये देखता है कि टी क्यू एक्स वाई बार इज इक्वल टू टी क्यू एक्स इंटू टी क्यू वाई, तो बोलता है टी क्यू एक्स वाई में भी यही होगा, टी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू, तुम लोग रिलेशनशिप्स बहुत गजब गजब का बनाते हो, टी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, बोलो होगा क्या, ज्वाइंट ये क्या है, ज्वाइंट लाइफ स्टेटस फेल होगा तो दोनों को मरा दिया। हाँ कोई एक के मरने से ही तो काम हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल होगा, ये दोनों को अच्छा से कॉपी कर लेना भाई, हम बोल रहे हैं ना जो लोग समझ गया ना इस चीज को, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ, आई मीन जॉइंट लाइफ और लास्ट सर्वाइवर, बस यही है जॉइंट लाइफ में, बस जो इसको समझ गया ना बस, नाउ वी आर इन द एंड गेम, इट्स ओवर नाउ, कुछ बचा नहीं है भाई। आगे बढ़े क्या, बोलो ना, हाँ इशिका ठीक है, बाबू ठीक है,
टी क्यू एक्स वाई बार क्या होता है बताना, टी क्यू एक्स इंटू टी क्यू वाई। तुम लोग कॉपी मत देखो, तुम लोग लॉजिक से चलो, हम बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। टी क्यू एक्स वाई बार इज इक्वल टू टी क्यू एक्स वाई बार का मतलब क्या, पहले बताओ। लास्ट सर्वाइवर स्टेटस फेल हो जाएगा टी के पहले। सर अगर लास्ट सर्वाइवर स्टेटस को फेल कराना है टी के पहले तो क्या करना पड़ेगा बोलो। दोनों को इस तरीके से जो करेगा उसको ज्वाइंट लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। आई पास 35 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे को उस समय सब समझ में नहीं आया, ज्वाइंट लाइफ पूरा छोड़ के गया था। और मेरा किस्मत कितना अच्छा है सोचो, मैं सुबह एक सम देख रहा था, मैं सोचा ये तो नहीं आ सकता भाई, भगवान इतना दुखदाई नहीं हो सकता है कि ये इतना डिफिकल्ट सम दे दे, और छप के आ गया पूरा 20 नंबर के लिए। अब बट आई पास्ट समहाउ। क्या अच्छे अलग ज्वाइंट लाइफ वाले ही बोले थे भाई। तुम लोग का बुकलेट में है देख लेना, आई गिव इन अप्रैल 2016 क्वेश्चन नंबर 33। और अब की बार ज्वाइंट लाइफ का क्लास कराते हैं सबसे, वो वही सम कराते हैं। अब तो क्या लगता है, अब तो याद है, पुरानी बात वो मिट्टी डालो। चलो टी क्यू एक्स टी क्यू आई है तो क्या करेंगे बताए, थोड़ा घुमा फिर करेंगे। वन माइनस करके देखो तो क्या आ रहा है, करके देखो तो क्या आ रहा है, वन माइनस टीपी एक्स इंटू वन माइनस टीपी वाई। कुछ ऐसा आएगा, वन माइनस टीपी एक्स इंटू वन माइनस टीपी वाई करके ना, कुछ ऐसा आएगा देखना। वन माइनस टीपी एक्स माइनस टीपी वाई प्लस टीपी एक्स टीपी वाई, यही आ रहेगा सबका। बोलो हाँ, बोलो हाँ मुझसे सब लोग एक साथ। हाँ अब इसमें हम लोग करेंगे प्लस वन और माइनस वन, प्लस वन और माइनस वन, इसमें हम लोग करेंगे प्लस वन और माइनस वन। और फिर देखो हम क्या लेके आते हैं, वन माइनस टीपी एक्स प्लस वन माइनस टीपी वाई माइनस वन माइनस टीपी एक्स टीपी वाई। बोलो तो ये आ सकता है क्या, प्लस वन माइनस वन करने के बाद में ये आ सकता है क्या? तो ये क्या हो जाएगा श्रेयांशी, प्लीज आंसर, ये क्या हो जाएगा बताना, ये वाला पार्ट वन माइनस टीपी एक्स क्या होता है, और ये वाला क्या होता है, और ये वाला क्या होता है, वन माइनस टीपी एक्स इंटू टीपी वाई। अभी प्रूफ कराए थे ना टी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू वन माइनस टीपी एक्स इंटू टीपी वाई, देख लो कॉपी में आराम से देख लो, धीरे धीरे चलेंगे, समझ समझ के चलेंगे। टी क्यू एक्स वाई लिख सकते हैं, तो फिर से देखो प्रूफ हो गया सर, आप तो गजब हो, फिर से प्रूफ कर दिए। क्या प्रूफ कर दिए, लास्ट सर्वाइवर इज इक्वल टू वॉट, सिंगल प्लस सिंगल माइनस ज्वाइंट। तो लिख देना टी क्यू एक्स प्लस टी क्यू वाई माइनस टी क्यू एक्स वाई। तो इसका तो मतलब सर ये भी हो गया, इसका तो मतलब सर ये भी हो गया कि अगर हम लोग टी पी एक्स वाई बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सब लोग बोलो एक साथ, इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए बोलो, टी पी एक्स वाई बाहर क्या आना चाहिए बोलो ना, टी पी एक्स प्लस टी पी वाई प्लस सॉरी माइनस, मैं भूल जाता हूं, टी पी एक्स टी पी वाई, कॉपी कर लो। टफ लग गया बोलो हाँ, डोंट डू इट्स वेरी टफ, ऐसे बोलते ना तुम लोग। नेक्स्ट लिखना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोग हिसाब से देखेंगे ना तो जब इसको एक रुको पहले कॉपी मत करो पहले सुनो, अगर हम लोग हिसाब से देखेंगे अपना जो टीपी एक्स वाई बार आया है ना, और इसको जब खोलेंगे ये वाला पार्ट को जब हम लोग खोलेंगे, ये वाला जो पूरा पार्ट इसको जब खोलेंगे तो ये विल बी इक्वल टू वो, बोलो हाँ, पहले करके देख लो मन में, पहले मन में करके देख लो। मैं बोल रहा हूं अपना जो टीपी एक्स वाई बार आया ना, टीपी एक्स प्लस टीपी वाई माइनस टीपी एक्स वाई, ये विल बी इक्वल टू वो, आराम से करके देख लो मन में, कुछ भी नहीं है खाली मल्टीप्लाई करो, देखो समझ में आ जाएगा ठीक है।
मल्टीप्लाई करो एक बार देखो समझ में आ जाएगा, टीपी वाई माइनस टीपी एक्स टीपी वाई तो कट जाएगा, एक तो माइनस में बचेगा टीपी एक्स प्लस टीपी वाई माइनस टीपी एक्स वाई, आराम से करके देख लो। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला ही आएगा, ठीक है? थोड़ा भरोसा रखिए, जज मत करिए ऐसे। अभी ये तो हो गया, अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या है? टीपी एक्स वाई बार, टीपी एक्स वाई बार मतलब एक्स वाई बार का मतलब क्या होता है? लास्ट सर्वाइवर स्टेटस। पी मतलब क्या? एक्टिव रहेगा टाइम टी पर। तो लास्ट सर्वाइवर स्टेटस को टाइम टी पे एक्टिव रहने के लिए देर आर थ्री पॉसिबल केसेस। पहला केस दोनों जिंदा है, दूसरा केस एक्स मर गया वाई जिंदा है। बोलते ना जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक मेरा प्यार जिंदा रहेगा। एक जन भी अगर जिंदा है, एक जन भी अगर जिंदा है तब तक लास्ट सर्वाइवर स्टेटस, ठीक है? तो एक्स मर गया वाई जिंदा है और वाई मर गया एक्स भी एक्स जिंदा है, दोनों केस, ठीक है? दिस इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लिख लो इसको। मैट मत खोलना जॉइंट लाइफ का, बहुत अजीब है, मैं भी नहीं पढ़ा कभी। एक बच्चा आया और बोला कि ना ये सारा जो इवेंट है ना, ये वाला, मैंने वो हाईफाई मैच पढ़ रखा था, तो बोला सर ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है। बोले क्या क्या क्या? ऐसे बोला मेरे को, सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है क्या? बोलो तो होगा क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सम वन, तुम चीज समझा, यहां पर तुम किस केस के लिए कर रहे हैं? सम हमेशा तुमको बता रहे हैं, उसका तुम थोड़ा गलत पढ़ा है। पहला बात तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जब भाई अपना झगड़ा हो जाता ना, बोलता हूं मम्मी इसको उठाइए यहां से, ये जहां रहेगी वहां हम नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? जब अगर एक्स हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम जहां जाएंगे इसको मम्मी हटाइए यहां से। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तीनों में से दो चीज पॉसिबल नहीं है संग में, तीनों में से कोई एक ही हो पाएगा। एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? अगर टीपी एक्स वाई बार को होना है, अगर टीपी एक्स वाई बार को होना है तो इन तीनों में से कोई एक तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो टीपी एक्स वाई बार नहीं हो सकता है। बोलने का मतलब क्या है? इन तीनों को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है। इफ आई डिफाइन माई यूनिवर्स टू बी टीपी एक्स वाई बार, जब ये तीन इवेंट्स डिफाइंड है तो इन तीन इवेंट को छोड़ के और कुछ पॉसिबल नहीं है। इन तीनों में से कोई एक तो होना ही पड़ेगा और किसी एक जब होगा तो बाकी नहीं हो सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अगर मेरे यूनिवर्स डिफाइन करते हैं कुछ और तो अलग बात होगा, लेकिन अगर मैं अपना पूरा जो सैंपल स्पेस है अगर मैंने उसको डिफाइन किया कि दिस इज माई यूनिवर्स, टीपी एक्स वाई बार के बारे में कुछ नहीं बताया, तो यही तीन इवेंट्स है, कोई एक तो होगा ही होगा और जब एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है? समझ में आया? तो लिख देना बगल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, लिख देना, वेरी टेक्निकल। तुम लोग आज तक जो पढ़ा है उसमें हमेशा सम वन होता था। एक डाइस थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 सम वन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ। तो सर पीडीएफ में कौन सा एफ होता है? एफ टी एक्स वाई टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ सी डी एफ। बोलो हाँ, ऐसे लोग हाँ हाँ बोलते हैं, लगता नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? टी क्यू एक्स वाई, बोलो हाँ, विच इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वन माइनस टी पी एक्स वाई, बोलो ना, विच इज इक्वल टू क्या बोला? माइनस डी डी टी ऑफ टी पी एक्स इंटू टी पी वाई, बोलो ना। हाँ, अच्छा ये ना तुम लोग पहले कर चुके हो,
जैसे ना अभी देखो ये है यू और ये है वी, सब लोग अपना कॉपी घुमाओ तो और देखो तो माइनस डीडीटी ऑफ टीपीएक्स क्या होता है, जो लोग के पास में भी कॉपी है माइनस, माने मैं तो सीडीएफ को ही तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सीडीएफ को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो पीडीएफ आता था, पीडीएफ क्या होता था टीपीएक्स म्यू एक्स प्लस टी, टीपीएक्स म्यू एक्स प्लस टी ना। अच्छा तो देखो ये है यू और ये है वी, एक को मैं दोनों ही तो फंक्शन है ना टी का, अरे टीपीएक्स टीपीवाई दोनों ही तो टी का फंक्शन है, दोनों में तो मानसी तुम नाखून देख रही हो, सुनो एकदम, अच्छा नाखून छोड़ दो एकदम, अब तुम बताओ U इंटू वी ठीक है, तो U इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बोलेगा था पहले U को रख के V का करेंगे और फिर V को रख के U का करेंगे, तो पहले TPX को रख दिए, अरे रखो बाबा अभी मत, अभी पास हो जाओगे तुम, रुक जाओ, TPX को रख दिए, TPX को रख दिए तो क्या आएगा माइनस DDT ऑफ TPY विच इज नथिंग बट TPY म्यू वाई प्लस टी, कॉपी खोल के देख लेना पहले कराया हुआ है, अरे तुम लोग जब CDF को डिफरेंशिएट करता था तो क्या आता था उसका PDF, वो पूरा डेरिवेशन कराया हुआ CT4 वाला, ठीक है। अच्छा तो सर आप बोलने का मतलब आप है जाइए, मतलब अब ये बोलिए आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ये TPX TPY म्यू वाई प्लस टी, और फिर जब मैं किसको रखूंगा TPY को रखूंगा तो TPX म्यू एक्स प्लस टी, बोलो ना हा, ठीक है, माइनस भी हटता है, तुम लोग कॉपी खोल के देखना समझ में आ जाएगा, सिंगल लाइफ वाला कोई बार देख लेना समझ में आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं ये होता था आंसर, मैं तुम लोग वो पूरा डेरिवेशन देख लेना, ये होता था डीडीटी ऑफ टी क्यू एक्स इज नथिंग बट टीपीएक्स म्यू एक्स प्लस टी, ये होता था, तुम लोग जब सीडीएफ को डिफरेंशिएट करता था तो आता था ना, तो इसका मतलब क्या माइनस डीडीटी ऑफ टीपीएक्स भी तो यही होगा, ठीक है, वो लाइफ प्रोसेस खोल के देख लेना समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले ये लो कॉपी कर लो, फर्स्ट स्टेप कॉपी हो गया क्या सबका, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, CM2 के बच्चे तो मतलब पता नहीं क्या ही करते क्लास में, TPXY कॉमन आ जाएगा म्यू एक्स प्लस टी प्लस म्यू वाई प्लस टी विच इज इक्वल टू, दूसरा स्टेप भी कॉपी हो गया TPXY, देखो लिखने का तरीका देखो बस भाई का, म्यू एक्स प्लस टी कोलोन म्यू वाई प्लस टी, इसका मतलब क्या होता है, कोलोन का मतलब क्या होता है सम, कोलोन का मतलब क्या होता है यहां पर सम, मतलब म्यू एक्स प्लस टी इज टू म्यू इज टू वाई प्लस टी का क्या हो जाएगा म्यू एक्स प्लस टी प्लस म्यू वाई प्लस टी, लिखने का नोटेशन है, लिखने का तरीका है। एकदम आराम आराम से करेंगे, हौले हौले, हो गया क्या सब ठीक है ना, अब हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, हमको बस तुम लोग ये बता दो फिर हम तुम लोग को मतलब क्या बोले फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ये वाला मिटाए, तुम लोग मेरे को ये बता दो कि f txy बार t क्या होगा, बस ये बता दो f txy बार t क्या होगा, अरे बोलो ना कितना बार तो बोल दिए सिंगल प्लस सिंगल माइनस जॉइंट, तो सर इसका मतलब ये हुआ f txt प्लस f tyt माइनस f txyt, तो इसी को तो डिराइव करने के लिए मैंने बोला पिछला प्रूफ दिखाया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, लिखो TPX म्यू एक्स प्लस टी प्लस TPY म्यू वाई प्लस टी माइनस TPXY म्यू एक्स प्लस टी इज टू वाई प्लस टी, बोलो ना हा, चलो टेबल बुक लाया ना, कौन कौन नहीं लाया हाथ उठाओ, कौन है वो नीचे दिखाओ तो अपना चेहरा दिखाओ तो,
तब तुमको मोटा पतला का असर नहीं पता है। यहां पर हम हाथ देंगे ना, पेज नंबर पता चल जाता है। एक्सेल वाला इतना पतला है, टेबल बुक इतना मोटा है। किसी से बात करते करते ला रहा था ना, समझ गया तेरा बात। होता है इस टाइम पे, होता है। नेक्स्ट, सर बहुत कंटिन्यूअस हो गया, अब थोड़ा डिस्क्रीट भी करा दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के एक्स वाई इज इक्वल टू के, के एक्स वाई इज इक्वल टू के का मतलब क्या हो गया? एनिवर्सरी सही बोला, ये एनिवर्सरी सही बोला। एनिवर्सरी मतलब दोनों संग में मनाता है ना, इसलिए एनिवर्सरी सही बोला। प्रोबेबिलिटी देखो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? तेरा तो सर के ऊपर से क्या होगा, अब तुम समझाएगा ये क्या है बता। हाँ देख, हमें कुछ गलत लिखे, एक गलती बता दे मान जाएंगे, कुछ तो इसमें गलत है। कहीं पर देख इक्वल टू है और कहीं पर इक्वल टू नहीं है, बता कहां पर इक्वल टू होना चाहिए, देख के बता आराम से। देख एक जगह लेस देन इक्वल टू है लेकिन एक जगह खाली लेस देन है, गलती बता। वो सही है, ये सही है, कैसे सही है? प्रोबेबिलिटी के एक्स वाई इज इक्वल टू के मतलब के एनिवर्सरीज मनाएगा दोनों संग में, इसका मतलब क्या है? के या फिर कैसे तो बड़ा होगा, जो कंप्लीट लाइफ टाइम है वो के या फिर कैसे तो बड़ा होगा, लेकिन के प्लस वन से छोटा होगा। तो उसको कैसे लिख सकते बताना? अच्छा इसमें ना एक बहुत बड़ा दर्द है। दर्द क्या है कि के लेना है कि नहीं लेना है? के को लेना है, मतलब क्या नहीं लेना है? के से कम अरे बाबा, के को लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। तो क्या चीज देखो, हम लोग करते हैं समथिंग माइनस समथिंग, यही करते हैं ना। अभी जब ऐसे होगा तो समथिंग माइनस समथिंग करेंगे, तो जब यहां पर सेकंड वाला में करेंगे तो क्या चीज एक्सक्लूड करेंगे, के या फिर के से कम? के से कम, ठीक है। तो लिख देना टी एक्स वाई लेस देन के प्लस वन, टी एक्स वाई लेस देन के। ये भी हम लोग जस्ट किए हैं। टी एक्स वाई लेस देन के प्लस वन मतलब क्या? जो जॉइंट लाइफ स्टेटस है वो के प्लस वन के पहले फेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? के प्लस वन क्यू एक्स वाई माइनस के क्यू एक्स वाई, बोलो ना। हाँ प्लीज बोलो ना, के प्लस वन क्यू एक्स वाई माइनस के क्यू एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, अभी एक मैजिक करेंगे, मैजिक फ्री में मैजिक दिखा रहे हम। के पी एक्स वाई माइनस के प्लस वन पी एक्स वाई, देखो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया बताओ तो? वन माइनस के दोनों तरफ, यही मैजिक था, वन माइनस के दोनों तरफ। ठीक है, आराम से पहले यहां तक कॉपी कर लो, टाइम दे रहे हैं, आराम से पहले यहां तक कॉपी कर लो। ये वाला देखो, तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए जो टी एक्स वाई है, ये फर्स्ट से समझ में ना, के ग्रेटर देन इक्वल टू के लेस देन के प्लस वन। तो हम क्या किए, पहले टी एक्स वाई लेस देन के प्लस वन का प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। ये है के और ये है के प्लस वन, तो हम यहां से यहां तक का निकाल लिए। अब माइनस कर देंगे यहां से यहां तक का। हाँ हाँ नहीं समझी, नहीं मैं बोला पहले मैंने यहां से यहां तक का निकाल लिया प्रोबेबिलिटी, फिर यहां से यहां तक का माइनस कर दिया। पहले हम लोग यहां से यहां तक का निकाल लिए पूरे का, और फिर यहां से यहां तक का माइनस कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं कि टू, अगर हम ऐसे समझाएं कि प्रोबेबिलिटी ये वाला अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है? पहले मैं x इज लेस देन 3 का प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं, फिर माइनस कर देंगे क्या लेस देन इक्वल टू का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? दो से बड़ा चाहिए, दो नहीं चाहिए। इससे देखो क्या माइनस किए, दो या फिर दो से कम। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, कौन बताएगा? जेसिका प्लीज हेल्प,
दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, के पी एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। अगर के पी एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वन माइनस पी एक्स प्लस के कोलोन वाई प्लस के। ये किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ। टोटल में के प्लस वन ईयर्स जियाना था तो पहले कितना साल जिया दिए, के बोलो ना, मुझे बोलो ना के। वाह सर गजब गजब कर दिए आज तो आप, क्यू एक्स प्लस के कोलोन वाई प्लस के। सर यही तो होता था, अरे अगर मैं ये बोलता इसका तो यही होना चाहिए था। अगर सिंगल लाइफ में करते तो क्या होता, के पी एक्स क्यू एक्स प्लस के। याद है हम लोग स्टार्ट किससे किए थे, प्रोबेबिलिटी के एक्स इज इक्वल टू के ना, के एक्स वाई इज इक्वल टू के। अगर हम तुम लोग को ये बोले इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताना, तो प्रोबेबिलिटी के एक्स इज इक्वल टू के का मतलब क्या है, के बर्थडे मनाएगा तो क्या होता था, के पी एक्स फिर मर जाएगा एक साल के अंदर तो क्या हो जाएगा, इंटू क्यू एक्स प्लस के। तो वही तो हुआ है, वही तो हुआ है। अब इस पार्ट का मतलब क्या कौन बताएगा, मैं समझना चाहता हूं कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस पार्ट का मतलब दोनों लाइफ है, जॉइंट लाइफ का बात हो रहा है, दोनों का एज कितना है एक्स प्लस के और वाई प्लस के, और जो जॉइंट लाइफ स्टेटस है वो कितना साल के पहले फेल हो जाएगा, एक साल। एक साल कॉपी कर लो उसको पूरा अच्छे से। ये था जॉइंट लाइफ वाला, बोल यहां से यहां, हाँ के पी एक्स वाई कॉमन ले ले तो वन माइनस यहां पर क्या है, के प्लस वन है ना, तो पहले के ईयर्स जी आएगा, वो जो बोला क्या बोला था तुम इंसान किस्त में, तो पहले के ईयर्स जी आएगा तो एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई प्लस के, फिर एक साल और जी आएगा। लाइक मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसको नहीं समझा तो लिख लेना, के प्लस वन पी एक्स वाई इज के पी एक्स वाई इंटू पी एक्स प्लस के वाई प्लस के। ठीक है आराम से देख लो, अब तुम लोग मेरे को बताएगा, तुम लोग मेरे को बताएगा, यहां तक कॉपी हो गया क्या सबका, सबका कॉपी हो गया, तुम लोग मेरे को बताएगा प्रोबेबिलिटी के एक्स वाई बार इज इक्वल टू के का क्या होगा, जो बोल दिया ना, हाँ तो क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी के एक्स इज इक्वल टू के प्लस प्रोबेबिलिटी के वाई इज इक्वल टू के माइनस प्रोबेबिलिटी के एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा बोलना, के पी एक्स क्यू एक्स प्लस के माइ प्लस के पी वाई क्यू वाई प्लस के माइनस के पी एक्स वाई क्यू एक्स प्लस के वाई प्लस के, बोलो ना। हाँ मजा आ रहा है, अलॉट सर अलॉट। अब देखो अभी आगे और भी आएगा। एक गुड्डी किस लिए रखा है, गुड्डी उड़ाता तुम, खाली पूरा दिन नेटफ्लिक्स में लगा रहता है आजकल, क्या करे फोन में इधर। इधर बैठा रहे, इधर बैठा रहे, पानी ले गया। अब सुनो, अब कुछ हल्के फुल्के मिटाई क्या चाय पे चर्चा हो जाए। टी टी पी एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, टी पी एक्स टी पी वाई विच इज इक्वल टू व्हाट, एल एक्स प्लस टी बाय एल एक्स, एल वाई प्लस टी बाय विच इज इक्वल टू एल एक्स प्लस टी कोलोन y प्लस टी बाय एल एक्स कोलोन वाई या फिर एल एक्स वाई। अब सुनो सर, आप बोलते हो कभी तो कोलोन में मल्टीप्लाई होता है, कभी तो कोलोन में प्लस होता है। हाँ होता है, होता है, उपाय नहीं, कुछ भी करना पड़ेगा। अरे म्यू वाले में क्या था, प्लस था ना, तब कोलोन लगा था। तो लोगों को यह भी सोचना पड़ेगा कि म्यू को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करके कुछ खास आ नहीं रहे, वो अलग अलग है,
बोल के मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है लिख लो। तो सर इसका मतलब तो ये भी होगा कि क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई बाय एल एक्स वाई, और सर डी एक्स वाई का तो मतलब ये हो गया एल एक्स वाई माइनस एल एक्स प्लस वन कोलोन वाई प्लस वन। रिलेशनशिप के इमोशन में टाइम कितना विकास डॉट, कितने घंटे का रिकॉर्डिंग हुआ है? मैंने अभी एक घंटे भी नहीं हुए लोगों को पढ़ते हुए। हाँ आज तो टान देंगे एकदम, पूरा छोड़ेंगे नहीं लोग आज। चलो बोर लग रहा है तेरे को, टेबल लुक निकाल, लेट्स डू समथिंग एक्साइटिंग। टेबल लुक, कम ऑन कम ऑन, यहां पर कोई भी डाउट नहीं है ना, नॉर्मल था एकदम। लिख देना बेसिक क्वेश्चंस। अच्छा एएम 92 अल्टीमेट बट 8% इंटरेस्ट, एएम 92 अल्टीमेट एंड 8% इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन 3P 45 41, दूसरा क्वेश्चन Q 66 65, तीसरा क्वेश्चन μ 30 38। चौथा क्वेश्चन Q 66 65 bar, पांचवा क्वेश्चन P 62 65 bar, छठा क्वेश्चन 3Q 50 50 bar। ठीक है आराम से करिए। AM 92 8% इंटरेस्ट देख के करिएगा।